हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छे से पढ़ाई करनी है, नहीं तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो कल हमने देखा था कुछ नए पैटर्न्स, इसी तरह आज की क्लास में भी हम देखने वाले हैं कुछ नए पैटर्न्स और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम कितने मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत भी हमें हमारे रिजल्ट ज़रूर लाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है और जो बोल रहा है 8 का रिलेशनशिप है 49 के साथ में, जो हमें फाइंड आउट करना है और फिर उसको हमें वापस से चेक करना है कि क्या वही रिलेशनशिप बनता है 12 का 121 के साथ में। और अगर हमें जब हमारा पैटर्न सही से मिल जाएगा तो हमें करना है क्या कि उस पैटर्न को फॉलो करेंगे 16 का रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली वैल्यू के साथ। तो हमें इतना पता है, इस नंबर को देख के हमें ये आइडिया आ रहा है कि जो 49 होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो अब 8 को 7 बनाना है, क्या करेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा 7, और फिर इस 7 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें 49 नंबर मिल जाएगा। तो हमने किया क्या, 8 को माइनस 1 किया हमें आया 7, 7 का हमने स्क्वायर किया हमें मिला 49। तो इस तरह से 8 का रिलेशनशिप 49 के साथ हमें पता चल गया। इसी तरह से 12 के साथ भी करेंगे और ये सही होगा क्योंकि 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है। तो पहले है यहाँ पे 12 माइनस 1 तो वो हो जाता है 11, और फिर जब हम इस 11 का स्क्वायर कर देंगे तो वो आएगा 121। तो अगर 16 के साथ यही पैटर्न पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16 को माइनस, सॉरी 15 बोल दिया 16 को हम माइनस करेंगे 1 नंबर, तो 16 में 1 नंबर माइनस किया तो 15 आया, सेपरेटली लिखना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, फिर हम करेंगे 15 का स्क्वायर, वो होता है 225। तो 225 आएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, विच इज ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 225। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, इसमें बस ये फॉलो हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कनेक्शन सेकंड टर्म के साथ में माइनस 1 और उसका स्क्वायर करने से होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आ गया हमारे आंखों के सामने। जैसे ही आंखों के सामने क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद सॉल्यूशन भी देखना है कि कैसे हमारा पैटर्न है, कैसे क्या ट्रिक लगाई गई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 133 का रिलेशनशिप 7 के साथ है किसी मायने में, हमें वो मायना ढूंढना है। तो उसी हिसाब से 247 का कनेक्शन बनेगा 13 के साथ। एक पैटर्न सेट अगर मिल जाए तो उसके बाद में उसी को दूसरे पे ट्राई करना है, दोनों सेम सेम में बैठते हैं तभी हम उससे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू विदाउट एनी डाउट निकाल सकते हैं और वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो फिलहाल हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो बहुत ऑड से नंबर है, मतलब अजीब अजीब से नंबर है। ऑड मतलब ऑड नंबर नहीं, मैथ्स वाला टर्म नहीं, ये अजीब अजीब वाला। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक रफ ट्रायल करेंगे, क्या हम 133 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 वंस, फिर 13 में से 7 गया, बचा कितना, 6 बचता है, 63 हो जाएगा। तो 7 9 से 63 होता है। इसका मतलब हमने एक रफ कैलकुलेशन किया और हमें इसमें मिला कि अगर हम 7 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 133 आता है ना। अब हम इसी पैटर्न को 13 के साथ पुटअप करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 13 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक रफ कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का,
या डायरेक्ट भी कर लेते हैं, चलिए डायरेक्ट करते हैं। तो हम इस 19 को साथ में ले लेंगे, तो 19 थ्रीजा कितना होता है दोस्तों, 19 थ्रीजा होता है 57। तो 5 को कैरी लेते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे 7, और फिर 19 वनजा होता है 19, तो 19 में प्लस को 5 को प्लस कर देंगे। 19 में 5 किया तो हमें मिला 14, 4 लिखेंगे, और क्योंकि 19 था तो ये 14 और वो 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 247, है ना दोस्तों। तो ये 19 प्लस 5 किया तो हमारा हो गया 24, तो 247 आ गया इस टर्म का सॉल्यूशन, जो कि एकदम सेम है यहाँ पर। तो ये मतलब ये वाला जो 19 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन विद द टर्म आ रहा है, ये करेक्ट पैटर्न है। अब हम अपना क्वेश्चन मार्क की जगह का वैल्यू निकालेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा 19 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 19 का स्क्वायर ही लिख दें, है ना, क्योंकि ये तो 19 है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, 361। तो समझ में आया, अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डिवाइड कर दिया, उससे हमें एक आइडिया मिला 19, फिर हमने 19 को 13 के साथ पुट अप किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 19 विद द टर्म के साथ, और फिर हमें मिला 247। तो इससे हमें पता चल गया, ओके, तो इसमें पैटर्न क्या मिल गया, इसमें पैटर्न मिल गया कि जो भी आपका टर्म है उसमें 19 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पैटर्न कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट क्योंकि सॉल्यूशन आ गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपकी स्क्रीन पर, तो देखें क्या दिया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दिया है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ लिख रहा है 131, पहले है 131, फिर 133, फिर है 181, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में है 239। तो ये भी बहुत अजीब से नंबर्स है ना, लेकिन इनको देखकर एक चीज हमें क्या ध्यान आ रही है कि ये जो 131 है और ये जो 181 है और ये जो 239 है, ये प्राइम नंबर्स है, है ना दोस्तों। अगर आपको प्राइम नंबर्स का पता होगा, 100 तक तो बहुत ही जरूरी है याद करके रखना, पर 100 के आगे भी टिल 1000 तक आपको एक ग्लैंस होना चाहिए, मतलब एक बार देखा हुआ हो या हर रोज देख लिया करो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो जस्ट एक गो थ्रू होना चाहिए, एक रेफर होना चाहिए बस, कि हाँ कुछ तो है, कुछ धुंधला धुंधला सा भी याद आए तो देखा हुआ है, हाँ ये नंबर प्राइम नंबर्स में आते हैं। या डायरेक्टली आपको पता ही होगा, प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनका कोई दूसरा डिविजिबल नंबर नहीं होता है, सिर्फ एक तो वन और या तो वो खुद नंबर। तो ये जो 131 है, ये एक प्राइम नंबर है, और यहाँ से इस 181 तक जाने के लिए यहाँ पर अगला प्राइम नंबर आया है। तो 181 कितने नंबर का प्राइम नंबर आया है, तो ये 131 से 181 के लिए ये है 10 नंबर्स का प्राइम नंबर, 10 नंबर्स का जो सेट है यहाँ पे, 10 प्राइम नंबर्स का जो सेट है उसमें आता है 131, और फर्स्ट वाला और 10th वाले पे आता है 181। इसी तरह से अगला जो 10 प्राइम नंबर का सेट है उसमें आता है, फर्स्ट में आएगा 181 और लास्ट में आएगा 239, ये वाला। और जो बाकी का डिफरेंस है 131 से 133, तो ये हुआ है प्लस 2, और फिर 181 से क्वेश्चन मार्क है, तो ये होगा यहाँ पे भी प्लस 2, क्योंकि पीछे प्लस 2 हुआ तो हम आगे भी प्लस 2 करेंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 181 से प्लस 2 करेंगे 183 आएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 4 183, पर ये 131 से 181, 181 से 239 क्या ये सही में प्राइम नंबर्स है? वो तो आपको प्राइम नंबर्स याद हो तो बेटर है। वैसे यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं क्योंकि ये 10 प्राइम नंबर्स का सेट है। वैसे आंसर आ गया तो आप सोचोगे चलो भाग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर कोई नहीं, एक बार यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ये है 131, अगला आएगा 137, उसके बाद आता है 139 क्योंकि हमें 10 नंबर का सेट चाहिए, उसके बाद आता है 149, फिर आता है 151, उसके बाद आता है 157। ये 5 डांस कर रहा है। तो 157 के बाद आता है 163, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, और 3 आएंगे 8 9 10। तो 163 के बाद आता है 173, 173 के बाद आता है 179, और 179 के बाद आता है 181। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कहा कि 10 प्राइम नंबर्स का सेट है, ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये होगा 10th नंबर, करेक्ट। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी होगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 181 इज द फर्स्ट वन, 191 सेकेंड, 193 थर्ड, 197 फोर्थ, 199 फिफ्थ, 211 सिक्स्थ, 223 सेवेंथ, 229 एट, 253 29 सॉरी 229 एट्थ, 233 नाइन, 239 इज द 10। ओहो ये कबूतर लोग, ठीक है। तो 239 इज द 10th नंबर, तो मतलब ये 10 प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है वो सेट हो गया यहाँ पे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने अच्छे से ब्यौरा भी कर लिया कि हाँ ये जो क्वेश्चन दिया है वो भी करेक्ट फॉर्म में दिया है। तो 183 इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर है बिना किसी डाउट के। ऑप्शन लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगले पेज में। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कबूतरों जाओ यहाँ से बच्चों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें दिया है 44 का कनेक्शन है 4 के साथ, इसी प्रकार 287 का कनेक्शन है 7 के साथ, और इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन है 10 के साथ। तो अब ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो हमें इसमें कुछ तो लॉजिक ढूंढना होगा और मुझे लॉजिक मिल गया है। तो यहाँ पे क्या है 4 और ये है 44, तो अगर हमें पता है क्या कि 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। अब 64 से 44 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 64 में हमें करना होगा -20। 64 में -20 करेंगे तो हमें 44 तो मिल जाएगा, लेकिन हम -20 करेंगे कैसे? ऐसे ही कोई भी नंबर हम सीधा माइनस नहीं कर सकते, सब में मैच होना चाहिए ना। तो इसका भी कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो 20 कैसे आता है 4 के टर्म्स में, तो 4 का अगर नेक्स्ट वाले नंबर यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है ना दोस्तों। पहले हमने किया 4 का क्यूब और फिर 4 को उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो इसमें जो टर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है कि पहले 4 का क्यूब है और उसमें माइनस 4 के नेक्स्ट टर्म के साथ का मल्टीप्लिकेशन, उससे आएगा 44। तो 4 का कनेक्शन 44 के साथ। इसी को दूसरे नंबर पे देखते हैं, तो यहाँ पे है 7, 7 का हम करेंगे क्यूब, फिर माइनस करेंगे 7 का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो 7 का क्यूब होता है 343 और 7 8 होता है 56। तो 343 में 56 को माइनस कर देंगे, 13 में से 6 गया, बचा कितना 437, और फिर यहाँ पे हुआ 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से फिर 5 जाएगा,
13 में से 5 गया तो कितना बचा यहाँ पे 8 और फिर ये 2, 287। तो इस तरह से 7 का कनेक्शन 287 के साथ भी हमें यहाँ पे पता चल गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन वाली टर्म में वैल्यू को पुट। तो यहाँ पे 10 है, 10 का क्यूब करेंगे और फिर माइनस 10 के नेक्स्ट नंबर के साथ का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आया, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में माइनस 10 11 जा 110। तो 1000 में अगर 110 को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 890। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, 890। आपको समझ में आया कैसे किया ये हमने? तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक निकालना है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए, और फिर जो टर्म हमें पता चलेगा, जो पैटर्न हमें पता चलेगा, उसी को हमें अगले वाले टर्म पे पुट करना है। और अगर दोनों पे एक पैटर्न अच्छे से साकार हो जाता है, कारगर हो जाता है, तो उसी से हमारा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा और वो एकदम सटीक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 54 का रिलेशनशिप है 3 के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इससे पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं क्वेश्चन को, ऊपर पेन को सेलेक्ट किया और शुरू। तो ये हो गया 54 का कनेक्शन है 3 के साथ, और इसी तरह से हमें पता लगाना है क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन है 4 के साथ। पर उससे पहले हमें पता करना होगा पैटर्न का कनेक्शन, दूसरे टर्म यानी 500 का 5 के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसमें सेट होता है या नहीं। अब 54 है और यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। 5 तो 100 टाइम्स 500 हो गया, फॉर एग्जांपल 3 का 100 टाइम्स तो 300 होना चाहिए, 54 है तो 54 का क्या कर सकते हैं। तो हमने जो अभी ऊपर किया वैसा ही कुछ ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब तो होता है 27। अब 27 में क्या करेंगे कि 54 आ जाएगा, तो 25 का डबल करने से 50 होता है, 7 का डबल किया 7 टू 14 होता है, 7 टू 14 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। अरे वाह, मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, लेकिन 2 3 दूसरे में करें तो 27 था, 5 का क्यूब आएगा यहाँ पे, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 टू 245 नहीं आ रहा, तो सिर्फ 5 का क्यूब 2 के साथ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 3 का क्यूब 2 के साथ जा रहा है, तो क्या करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे ये एक 2 जो है हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे नेक्स्ट टर्म पे वो फिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 2 आया, क्योंकि हमें तो 2 चाहिए। तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई इरेजर, 3 का क्यूब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसके क्यूब को किससे, 3 माइनस 1 यानी कि 2 से। तो 3 का क्यूब हमने लिया ये 27 और फिर 3 माइनस 1 हमने लिया ये 2, क्योंकि ये तो सेट हो रहा है तो दूसरे टर्म में सेट नहीं हो रहा, तो हमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ गया इधर, अब हम इसी को यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे इंटू 5 को उसके माइनस 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। 25 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है 100 और 100 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है 400, तो 400 प्लस 100 हुआ तो 500 हो गया। सो इट मीन्स ये करेक्ट अभी जाकर बैठ गया। तो ये जो पैटर्न है
क्यूब करके मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1, तो इससे आंसर आ जा रहा है यहाँ पे हो गया 500। तो मतलब अब हमें हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या आती है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, हमें करना है 4 का क्यूब और फिर 4 माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन। तो ये है एक्चुअल पैटर्न, 4 का क्यूब होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 3। 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 12, 2 बचा 1, 6 3, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 192। तो क्या आ गया आंसर, 192। 192 किधर है, ऑप्शन नंबर 3, 192। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे और कुछ नए नए ट्रिक्स भी देखे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सामने आते ही हमारा दिमाग बहुत सारी प्रैक्टिस करने की वजह से दिमाग फटाफट से काम करेगा कि हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। आपका होमवर्क क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपकी मर्जी वो कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट मस्त मस्त मजेदार क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।